इन पोस्ट ऑफिसिस ने एक करोड़ से भी ज़्यादा के एक करोड़ से ज़्यादा नेशनल फ्लैग्स क्वांटिटी की वाइज क्वांटिटी वाइज बात करें तो एक करोड़ से ज़्यादा नेशनल फ्लैग्स बेचे हैं और यहाँ पर कुछ एक फ्लैग जो हैं वो 25 करोड़ 25 रुपए का मिल रहा तो यू कैन इमेजिन के 25 करोड़ रुपए के फ्लैग्स जो हैं वो पोस्ट ऑफिसिस ने बेच दिए हैं एंड दिस इज इंडिकेट्स के लोग जो हैं एक बहुत बड़ी मात्रा में हर घर तिरंगा को सेलिब्रेट करने वाले हैं और ये पूरे देश के लिए एक बहुत ही अच्छी बात है क्योंकि हर घर तिरंगा जो है इट्स नॉट अबाउट एनी कास्ट इट्स नॉट अबाउट एनी रिलीजन इट्स नॉट अबाउट एनी स्टेट राइट ये हमारे देश की बात है जब तिरंगे की बात आती है ना तो हम सब इक्वल होते हैं वैसे हम सब इक्वल ही हैं लेकिन कुछ प्रोग्रामिंग है सोसाइटी का और कई बार ये प्रोग्रामिंग जो हैं ये न्यूज में भी हमें देखने को मिलता है कि कहीं पर हत्या हो गई किसी दो धर्म के बीच में झगड़ा हो गया धर्म के बीच में इन द सेंस धर्म को फॉलो करने वाले सो कोल्ड लोगों के बीच में धर्म के नाम पर झगड़ा हो गया ये सारी चीज़ें बट वी शुड ऑलवेज रिमेंबर कि ये जो हमारा नेशनल फ्लैग है ये एक प्रतीक है इस बात का कि हम सब एक हैं जगदीप धनकार साहब शपथ विधि हो गई फोर्टीन वाइस प्रेसिडेंट के तौर पर उन्होंने शपथ ली और वाइस प्रेसिडेंट की शपथ जो है वो कौन दिलवाता है तो दैट इज प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जी ने एडमिनिस्टर की इस ओथ को और एक क्वेश्चन पूछ लूँ। प्रेजिडेंट की जो आ, ओथ टेकिंग या फिर जो स्वेरिंग इन सेरेमनी है तो इसको कौन एडमिनिस्ट्रेट एडमिनिस्टर करता है प्रेसिडेंट की क्या प्राइम मिनिस्टर करते हैं व्हाट इज़ द राइट आंसर स्टिक यू आंसर इन द कमेंट सेक्शन अब पता चल जाएगा कि कितने लोगों ने ये जो सीरीज़ अभी चल रही है हमारी करंट अफेयर्स की जिसमें इम्पोर्टेंट न्यूज़ को हम डिस्कस करते हैं तो कितने लोगों ने फोकस्ड तरीके से देखा और सुना है वो पता चल जाएगा आज के आंसर से और जितने लोगों को आंसर नहीं पता है अगर आप ये सीरीज़ देख रहे हैं कुछ दिनों से और आपको आंसर नहीं पता है इसका दैट मीन्स कि आपको और ज़्यादा फोकस्ड तरीके से इस लेक्चर को देखना चाहिए अब प्रश्न ये भी उठता है ना मैं ऐसा मानता हूँ कि हम बचपन से हमें बताया गया है कि आपको फोकस करना चाहिए लेकिन कैसे करें देखिए जो भी काम करें आप जो भी काम करें ट्राई टू बी इन द प्रेजेंट मोमेंट लेट से देखिए यहाँ पर मैंने ऐसा नहीं कहा कि यू मस्ट बी इन द प्रजेंट मोमेंट मैंने कहा है ट्राई कोशिश कीजिए ऐसा बहुत बार होगा कि आप लेट से कुछ पढ़ रहे हैं दो तीन लाइन्स आपने पढ़ी और आपका दिमाग कहीं पर और चला गया ये बहुत पेनफुल भी होगा स्टार्टिंग में आपको मज़ा नहीं आएगा आपको ये लगेगा कि आप में तो फोकस ही नहीं है बट इट्स ओके ऐसा होता है हम सब साथ होता है तो स्टार्टिंग में आपको ऐसा जब भी आप आइडेंटिफाई करेंगे कि आपके आपके विचार जो हैं वो आपको कहीं और लेकर गए तो जब वो चीज़ याद आ जाए ना आपको कि आपके विचार आपको कहीं पर और लेकर गए हैं तो दैट इज़ नॉट बैड दैट इज़ अ वेरी गुड थिंग प्रॉब्लम यह है कि हमें यह बताया गया है हमें ये मीन्स हमें ये लगता है कि ये तो बहुत ख़राब बात है कि मैंने तीन चार लाइन्स पढ़ी थी और अब मैं मेरा दिमाग जो है कहीं पर हूँ नो दैट इज़ अ गुड थिंग कि आपको याद आ गया इट्स लाइक एक पुशअप आपने मारा जब आप एक पुशअप मारेंगे राइट right, आप ऐसे हजारों लाखों पुशअप मारेंगे तो क्या होगा आपके बॉडी में चेंजेस आपके मसल्स ग्रो होंगे ना वैसे ही जब एक बार दो बार जितनी बार आपको याद आए कि आप भटक गए थे और वापस आ गए भटक गए थे और वापस आ गए तो दैट इज ए गुड थिंग जब आप आइडेंटिफाई करें ऐसे आप कोशिश कीजिए धीरे धीरे आपका फोकस जो है वो बढ़ जाएगा धीरे धीरे क्या होगा बताया ये जो गैप है ये बढ़ जाएगा पहले लज से 20 सेकंड में आपका दिमाग कहीं पर और चला जाता था अब एक मिनट के बाद शायद ऐसा होगा फिर मे बी टू मिनट्स मे बी टेन मिनट्स ये एक जर्नी है कोई डेस्टिनेशन नहीं है ये करते रहिएगा तो एक बहुत इंटरेस्टिंग बात भी मैंने आपके साथ शेयर कर दी ओके प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब ने मिस्टर धनकार साहब को कॉन्ग्रेचुलेट किया है और uh, उनको यू नो वेल विशेज दी हैं प्रेजिडेंट ने भी वेल well विशेज दी है नाउ द थिंग इज रिम्बर प्रोटोकॉल वाइज अगर देखा जाए तो सबसे ऊपर कौन है कौन सी पोस्ट सबसे ऊपर है हमारे देश में सबसे ऊपर नंबर वन इज प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट के बाद प्राइम मिनिस्टर नौ प्रेसिडेंट के बाद प्रोटोकॉल वाइज कौन आते हैं वाइस प्रेसिडेंट। एंड नंबर थ्री इज प्राइम मिनिस्टर रिमेंबर मैं प्रोटोकॉल वाइज बात बता रहा हूं डिफेक्टो जेन्यून रियल में पावर्स किसके पास है प्राइम मिनिस्टर के पास है लेकिन अगर प्रोटोकॉल वाइज देखा जाए तो टॉप पर हैं प्रेसिडेंट एनसीसी कैडेट्स को एड्रेस किया अजय भट्ट साहब ने हुई अजय भट्ट मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर डिफेंस जो सेवेंटी इंडिपेंडेंस डे का सेलिब्रेशन है तो रेड फोर्ट में ये सारे हमारे एनसीसी के कैडेट्स जो हैं वो यहां पर इकट्ठा हुए थे और ये जो सिलेक्टेड कैडेट्स हैं उनको हमारे देश के सभी डिस्ट्रिक्ट्स में से सभी जिलों में से उनको सिलेक्ट किया गया ना रिमेंबर ये कोई ऐसे वैसे प्रोग्राम मीन्स ऐसा नहीं है कि ये जस्ट बच्चे यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं नौ एक समय पर हमारे जो जनरल ये जो हमारे रावत साहब थे जिनका निधन हो गया एक्सीडेंट में राइट हमारे सी रावत साहब तो वो भी एक समय पर जहाँ पर मुझे, जह, जहां तक मुझे पता है अभी याद आ रहा है ऐसे ही इवेंट को जब वो एक यंग बॉय थे तो उस टाइम पर उन्होंने ऐसे ही इवेंट को ज्वाइन किया था और इस मौके पर भट्ट साहब ने बताया है कि वे सारे योद्धा जिन्होंने हमारे देश के लिए अपने प्राणों का बलिदान दिया वो हमेशा हमारे इंस्पिरेशन बने रहेंगे और उन्होंने ये भी कहा कि ये जो एनसीसी कैडेट्स है ना ये एनसीसी कैडेट्स हमारे फ्यूचर सोल्जर्स हैं और हमारे देश की एकता अखंडता जो है अखंडता जो है तो उसके लिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पिलर के तौर पर ये एनसीसी कैडेट्स जो हैं वो फ्यूचर में रोल प्ले करने वाले हैं और उन्होंने ये भी बताया कि ये सारे जो हमारे कैडेट्स हैं उनमें से कोई ना कोई जो हैं वो आने वाले भविष्य में हमारे देश की टॉप पोजीशंस पर बैठा होगा जैसे हमारे सीडीएस रावत साहब थे मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर डिफेंस ने एन कैडेट्स को प्राइम मिनिस्टर साहब का जो मैसेज है कि लिविंग लाइफ विथ अटमोस्ट इंटीग्रिटी तो इसको भी इम्प्लीमेंट करने के बारे में उनको राय दी है नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन रूरल कोऑपरेटिव बैंक्स हमारे यूनियन होम मिनिस्टर जो हैं अमित शाह ये हमारे कोऑपरेशन मिनिस्टर भी हैं तो वो आज इस नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ रूरल कोऑपरेटिव बैंक्स को इनोग्रेट करेंगे और ये कॉन्फ्रेंस जो है ये मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन और इसके साथ नेशनल फेडरेशन ऑफ स्टेट कोऑपरेटिव बैंक्स एन ए एफ एस सी ओ बी ने मिलकर इसको ऑर्गेनाइज किया है और इस मौके पर मिस्टर शाह जो हैं ये परफॉर्मेंस अवार्ड्स देंगे स्टेट कोऑपरेटिव बैंक्स डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक्स डी सी सी बीज को और पी एस सी एज को

कोऑपरेटिव का रोल बढ़ेगा और उतना ही ग्रामीण विस्तार में रहने वाले लोगों का जीवन जो है वो पॉजिटिव तरीके से इम्पैक्ट होगा कांगड़ा सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर अनुराग ठाकुर साहब ने आज इस बैंक को कांग्रेचुलाइट किया है क्यों क्योंकि ये जो बैंक है इसने अपनी पूरी किस्मत जो है वो बदल दी ऐसा लगता है ये बैंक जो है इसने बहुत बड़ा लॉस दर्ज किया था राइट फोर्टी करोड़ रुपीज का लॉस दर्ज किया था लेकिन 2021-2022 में इस बैंक ने 87 करोड़ रुपीज़ का प्रॉफिट दर्ज किया है और ये जो प्रॉफिट है ये इस बैंक का अभी तक का हाईएस्ट एवर प्रॉफिट है और यू कैन सी कि एक बहुत ही कम समय में इस बैंक ने टर्न अराउंड किया है चीज़ों को हमेशा के लिए पलट दिया है तो आई एम श्योर इसकी जो टीम होगी ये कांगड़ा सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक की ये टीम जो है ये काफ़ी डिसव होगी काफ़ी मिनस इट से वेरी यू नो इंस्पायरिंग स्टोरी ऑफ़ दिस कांगरा सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक के इससे बहुत सारी बड़ी बड़ी बैंक्स जो हैं वो भी इंस्पायर्ड हो गए श्योर इसके कई स्टडीज़ जो हैं वो पढ़ने में हमें देखने को मिलेंगे जम्मू एंड कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा साहब ने जो एक रजौरी डिस्ट्रिक्ट में सिक्योरिटी फोर्सेस कैंप पर अटैक हुआ है तो इसकी निंदा की है और इन्होंने कहा है कि टेररिस्ट और इनके सपोर्टर्स को जो हैं इनको बी फिटिंग मैनर में जवाब दिया जाएगा और ये एक बहुत ही अनफॉर्चुनेट सिचुएशन हो गई कि अटैकर्स जो हैं उन्होंने हमारे अटैकर्स को तो गन डाउन कर दिया था लेकिन यहाँ पर देखिए टू टेररिस्ट जो हैं ये फ़िदाइन अटैक जो है उन्होंने हमारे आर्मी कैंप पर किया सुबह आ, बहुत ही अर्ली मॉर्निंग आवर्स में और उस टाइम पर जगह पर सोल्जर्स सो भी रहे थे तो इट्स लाइक यू नो उरी टाइप ऑफ अटैक जो हैं वो यहाँ पर कंडक्ट करने की कोशिश की है इंडिया एट टू जीरो फोर सेवन ट्वेंटी फोर्टी सेवन आज से पच्चीस साल बाद हमारा देश जो है वो कैसा होगा तो इसी विषय पर मैंने आपको बताया भी था कि यू नो यू नीड टू राइट एन एस ए मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रिनरशिप धर्मेंद्र प्रधान और मिनिस्टर ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स अनुराग ठाकुर जो हैं तो ये युवा संवाद इंडिया एट टू फोर टू जीरो फोर सेवन को न्यू दिल्ली में एड्रेस करेंगे और स्पोर्ट्स जो मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स निश्चित प्रमाणिक ये हमारे जूनियर मिनिस्टर हैं यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स के तो वो भी आ, इस इवेंट में उपस्थित होंगे 400 जितने यंगस्टर्स हमारे यूथ जो हैं नेशनल यूथ बॉडीज़ यूथ डेलीगेट्स जो अलग अलग स्पोर्ट्स में अलग अलग देशों में जिन्होंने हमें हमारे देश को रिप्रेजेंट किया है तो उनको अवार्ड्स भी दिए यहाँ पर वो भी उपस्थित होंगे एंड आई थिंक अवार्ड्स भी दिए जाएंगे अवार्ड्स के बारे में इतनी कोई क्लैरिफिकेशन नहीं आई है बट ये सारे यंगस्टर्स भी इसमें शामिल होंगे अब्दुल राउफ अजग अजहर हुई सही ये एक टेररिस्ट है चाइना ने फिर एक बार यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की जो मीटिंग है तो उसमें इस आतंकवादी को पाकिस्तान बेस्ड आतंकवादी को फिर से बचा लिया है अब इस व्यक्ति के ख़िलाफ़ काफ़ी सारे एविडेंस हैं बट वीनो के यू नो पांच ऐसे देश हैं जिनके पास यू में वीटो पावर है तो उसमें से एक है चाइना तो चाइना ने फिर से इस व्यक्ति को बचा लिया है और चाइना ने इस प्रकार से इससे पहले भी एक अब्दुल रहमान मक्की ये भी एक पाकिस्तान बेस्ड टेररिस्ट हैं तो इसको भी बचाया था तो इस प्रकार के बड़े बड़े टेररिस्ट जो भारत में और दुनिया के दूसरे देशों में अटैक करते हैं भारत में ट्वेंटी सिक्स Uh, फिर ये इंडियन पार्लियामेंट पर जो अटैक था तो इसमें भी ये ये राव अजगर और रहमान मलिक जो हैं ये दोनों इन्वाल्व थे एयरलाइन जो हमारी 1991 में हाईजैक हुई थी उसमें भी ये दोनों इन्वॉल्व थे और ये जो अब्दुल राव अजहर हैं ये मसूद अजहर का सबसे छोटा भाई है इज़ वन ऑफ द मोस्ट वांटेड व्यक्ति तो यूनाइटेड नेशन के फंक्शनिंग पर भी यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के फंक्शनिंग पर भी काफ़ी सवाल उठते हैं और चाइना की सेंसियरिटी एक तरफ चाइना कहता है कि टेररिस्ट को हमें ख़त्म करना चाहिए और दूसरी तरफ बड़े बड़े टेररिस्ट को बचा लेता है तो दिस इज़ वेरी वेरी सैड थिंग आज चाइना जिस लोगों को बचा रहा है राइट right? कल यही लोगों याद रखेगा कल एक समय आएगा भले आज नहीं तो पाँच साल बाद दस साल बाद लेकिन एक समय आएगा कि ऐसे लोगों की वजह से जिनको आज चाइना ने बचाया है यही लोग जो हैं वो चाइना पर या फिर इनके द्वारा ट्रेन किए गए लोग जो हैं वो चाइना पर अटैक कर रहे होंगे और उस टाइम उस टाइम पर चाइना रो रहा होगा यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल एक इमरजेंसी मीटिंग करने वाला है अब यूक्रेन में एक uh, जेपोरिजिया न्यूक्लियर पावर प्लांट है और ख़बर यह है दोनों कीव यानी कि यूक्रेन ने और मॉस्को ने एक दूसरे पर इल्ज़ाम लगाया है कि इस पावर प्लांट के नज़दीक में बोमबार्डिंग जो हुई तो कीव ने कहा कि यह रशिया ने किया रशिया ने कहा कि ये यूक्रेन ने किया है और इसकी वजह से चौदह लोगों की मृत्यु हो चुकी है और ये जो न्यूक्लियर पावर प्लांट है इट इज़ द लार्जेस्ट इन यूरोप तो यू कैन इमेजिन कि अगर इस पर बॉम्बार्डिंग होती है तो फिर क्या रिजल्ट यहाँ पर आएगा तो चीज को लेकर एक इमरजेंसी uh, मीटिंग जो है वो यूएनएससी के पंद्रह मेंबर्स जो हैं वो कर रहे हैं एंड दैट्स एवरीथिंग टूडे इज अ डिस्कशन थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो इस वीडियो को दूसरे के साथ शेयर कीजिएगा दिस इज प्रशांत मावनी साइनिंग जय हिंद